कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं भारत में, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, क्या रूल रेगुलेशन है। कार पे तो इंपोर्ट ड्यूटी सुना है ज्यादा है, यस ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं। कितनी पुरानी होनी चाहिए गाड़ी, कितनी पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्या इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है, सारा डिटेल स्टडी इसी वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्वांटिटी उसमें सेम नहीं आता। देखिए आइए मैं दिखाता हूँ इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ आइए इधर से दिखाइए। How to import used car from Japan? जापान से ओल्ड कार, यूज्ड कार या सेकेंड हैंड कार हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं भारत में, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, क्या रूल रेगुलेशन है, कितनी पुरानी होनी चाहिए गाड़ी, कितनी पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्या इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है, कौन इंपोर्टर है, कौन एक्सपोर्टर है, कैसे आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके कैसे आप बेनिफिट कमाएंगे, कितना बेनिफिट कमाएंगे, सारा डिटेल स्टडी इसी वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो कुछ इंपोर्ट ड्यूटी भी आपको देनी पड़ती है। बोले सर कार पे तो इंपोर्ट ड्यूटी सुना है ज्यादा है, यस ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं। सो इंपोर्ट ड्यूटी अगर जापान से आप खरीद रहे सेकंड हैंड, उसके लिए रूल क्या क्या है वो आगे बताऊंगा। इंपोर्ट ड्यूटी आपको लग रही 125%, कितनी 125%, 125% आपको इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो नॉर्मली 10% लगता है, 10% ऑफ योर इंपोर्ट ड्यूटी, जितना इंपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट बनता है उसका 10% आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग जाता है। जीएसटी में 18% ना लग के 28% लग रही है, 28%, सर ये तो ज्यादा है, ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं। आगे बात करते हैं, उसमें आगे बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से आप 5 लाख रुपए कमाते हैं सिर्फ 10 कार को इंपोर्ट करके। हर कार पे लगभग कितना 50,000-60,000 रुपए तक का बेनिफिट, 1-1 लाख रुपए तक का भी हर कार में आपको बेनिफिट मिल जाता है। सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, बने रहिए वीडियो मेरे साथ। जैसे कि आप कार खरीदते हैं 80,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक की एक कार जापान से आपको सेकेंड हैंड, बस ये कि वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो कि बोलता है आपका इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, 3 साल से पुरानी ना हो, वो आगे रूल में बताने वाला हूं आपको। 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक की आपने कार ली, एक मैक्सिमम प्राइस भी लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए वाली आपने कार इंपोर्ट की और 10 पीस आपने इंपोर्ट की, 10 कार इंपोर्ट की, तो वो 12 लाख रुपए की आपका पूरा शिपमेंट हो जाता है। और 1 लाख रुपए हम हमेशा लिख लेते हैं जो हमारे छोटे मोटे चुटर मुटर खर्चे होते हैं, जैसे कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, ये जो खर्चे होते हैं 1 लाख रुपए हम इजी कैलकुलेशन के लिए लिख लेते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी लगती है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है या फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, तो ये टोटल 137.5% का ड्यूटीज एंड टैक्सेस लग रहे हैं। सर रुपीज में बताइए, रुपीज में अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 20.62 लाख रुपीज के ड्यूटीज एंड टैक्सेस लग रहे हैं। बोले सर 12 लाख का सामान खरीदा, 20 लाख रुपए की ड्यूटीज देनी पड़ेगी। जी हाँ देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रॉफिट है, कैसे आगे बताता हूं। सो मेरा फाइनल बाइंग प्राइस कितना हुआ सर, आपका यहाँ पे फाइनल बाइंग प्राइस हो गया 12 लाख रुपए जितने में आपने खरीदा, प्लस 1 लाख रुपए जो आपके खर्चे होने वाले चूटर मुटर खर्चे, प्लस 20.62 लाख रुपीज जो गवर्नमेंट को आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के रूप में देना है, इजी कल्स टू हो जाता है 36.62 लाख रुपीज। अब ये कितने में यहाँ पे सेल हो रहा है इंडिया में, जो 1.5 लाख रुपए की आपने वहां से खरीदी थी, जो हमारे टेक्निकल टीम ने डाटा रिसर्च किया यहाँ पर, जो वो कार बिक रही है 4.2 लाख रुपीज से लेके 5.2 लाख रुपीज तक की वो सेकेंड हैंड कार बिक रही है, जो लगभग 3 साल से पुरानी नहीं है। सो ये 42 लाख रुपए की आपकी कार हो जाती है 10 कार, अगर आप 4.2 लाख रुपीस की भी बेचते हैं एक कार, जो कि एक मिनिमम प्राइस है। सो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा सर, वही देख लीजिए आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, 42 लाख रुपए जितने में आपने 10 कार बेची, माइनस 36.62 लाख रुपीज जितना आपका यहाँ पे पूरा बाइंग प्राइस था, इज इक्वल्स टू हो जाता है 5.36 लाख रुपीज। यानी एक शिपमेंट में हर महीने एक एवरेज इंपोर्टर भी 5 लाख रुपए कमा सकता है, मतलब एक गाड़ी पे 50,000 रुपए, कोई ज्यादा बता रहा हूं क्या मैं, बिल्कुल मिनिमम मार्जिन बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी मार्जिन आप लेते हैं, इतना तो लोकल में खरीदने और बेचने में डीलर इतना कमा लेते हैं 50,000 रुपए एक एक गाड़ी में, इसमें आपको 1-1 लाख रुपए तक भी बचा सकते हैं। लेकिन मैं एक मिनिमम एवरेज लेके चलता हूं कि भाई 50,000 रुपए तो कमाई लो एक गाड़ी में और 10 गाड़ी आप इंपोर्ट कर लो। लेकिन इंपोर्ट करने में कुछ डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, क्या, जैसे कि आईसी लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जीएसटी लगेगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन लगेगा, एडी कोड लगेगा, बीएल लगेगा, बिल ऑफ लेडिंग होता है, ओरिजिनल चाहिए। अब इसमें कुछ रूल है,
क्या रूल है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए एज पर इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। 3 साल से पुरानी अगर कार होगी तो उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये राइट हैंड ड्रिवन होनी चाहिए, यानी जो ड्राइवर है वो राइट हैंड साइड में बैठना चाहिए, यानी जैसा कि इंडिया में चलता है। जापान में जो गाड़ी होती है वो इंडिया की तरह ही होती है, यानी राइट साइड में बंदा बैठता है और ड्राइव करता है। दुबई की तरह उल्टा नहीं है, यहाँ पे भी ब्रिटिश वाला ही चलता है, क्योंकि इंडिया में भी ब्रिटिश ही चलता है। अब मैं बताऊं कि कहां कहां से आप इसकी सप्लाई ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले पायदान पे आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया बहुत यूज्ड कार देता है, यूज्ड कार वो एक्सपोर्ट करता है, यूज्ड क्लोथ भी एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे ज्यादा हम यूज्ड क्लोथ साउथ कोरिया से खरीदते हैं, हम सेकेंड हैंड कार भी खरीदते हैं और जापान से भी खरीदते हैं। तो साउथ कोरिया कितना एक्सपोर्ट करता है, लास्ट ईयर साउथ कोरिया ने एक्सपोर्ट किया है 15 लाख, यानी 15,21,758 शिपमेंट्स। उतनी कार नहीं, उतनी शिपमेंट्स। अब एक शिपमेंट में 2 कार हो सकती है, 5 कार हो सकती है, 10 कार भी हो सकती है कि एक गाड़ी में जितना भी कार आ सके। तो इतने शिपमेंट, 15 लाख शिपमेंट एक्सपोर्ट किए लास्ट ईयर। सेकंड नंबर पे जापान ही आता है। जापान बहुत स्क्रैप निकालता है, बहुत गाड़ी को सेकंड हैंड गाड़ी को बेचता है। तो जापान ने भी 8 लाख शिपमेंट किए हैं, चाइना ने भी 8 लाख शिपमेंट किए यूज्ड कार के, वियतनाम ने भी 6 लाख शिपमेंट एक्सपोर्ट किए और इंडिया ने भी 3 लाख शिपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं यूज्ड कार के। अब आपको इंपोर्ट करना है तो उसमें एचएस कोड भी लगेगा, तो ये 87 नंबर चैप्टर में आता है, 03 सब चैप्टर है। तो एचएस कोड बन जाता है 87, यानी 870390, इसको आप इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं इंपोर्ट के प्रोसेस की बात करूं तो सभी प्रोडक्ट के लिए सेम रहता है कि पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, फिर आपको सप्लायर फाइन करना है। सप्लायर फाइन करने के लिए जो टोटल 15 मेथड्स आपको ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं वो सारे आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। सप्लायर को कैसे वेरीफाई करना है ये भी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है, वो भी इंप्लीमेंट कर दीजिए। हाउ टू कन्विंस योर सप्लायर, वो भी आपको ट्रिक सारी सिखा रखी ट्रेनिंग में, वो भी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करिए। इंपोर्ट ड्यूटी पे करिए, जीएसटी पे करिए और गाड़ी आ जाएगी आपके घर, आपके घर, आपके फैक्ट्री, आपके वेयरहाउस, जहां भी आपका शोरूम होगा या फिर जहां भी आपने अपना दुकान या छोटा मोटा जो भी अरेंजमेंट कर रखा होगा वहां पे आप अपने गाड़ी को लेके आ सकते हैं आफ्टर इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन, इंपोर्ट ड्यूटी करके, कस्टम क्लियरेंस करके। अब इसमें कौन कौन सी टॉप कंपिटिटर कंट्रीज जो सबसे ज्यादा खरीद रही है, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है वियतनाम। वियतनाम ने 34 लाख शिपमेंट्स खरीदे हैं, 34,87,906 इतने शिपमेंट्स खरीदे हैं वियतनाम ने लास्ट ईयर। मेक्सिको ने 7 लाख शिपमेंट खरीदे, जापान ने 1,99,000 शिपमेंट खरीदे, भारत ने 1,80,000 शिपमेंट खरीदे, यूएसए ने 1,40,000 शिपमेंट खरीदे यूज्ड कार के लास्ट ईयर एज पर वोल्जा डाटा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा डायरेक्ट इंडस्ट्री मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और भारत का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप, देन यू कैन ज्वाइन अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in और यू कैन कॉल अस ऑन 888-235-7058 और 9014582523। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कॉल नाउ।